everyone, welcome back to my channel Beauty Insights. So in today's video I'm going to review about NYB Runway Mini Lipstick. And आज इस वीडियो में साथ के साथ मैं इन मिनी लिपस्टिक के लिप स्वॉचेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. So let's start it. ओके सो फर्स्ट अगर हम इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो वो कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की गोल्डन कलर की आउटर पैकेजिंग है इसकी, जिसके ऊपर लिखा हुआ NYB Runway Mini Lipstick. एंड गाइज इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो मुझे तो ओके लगी, इतनी खास भी नहीं लगी. देखा जाए तो काफी ज्यादा स्टडी भी नहीं है, बट कोई नहीं. एंड बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो इसकी बैक साइड पर मेंशन की हुई है. फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो में इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, वैसे मैं इसका क्लोजअप दिखा दूंगी बट इतनी क्लियर नहीं दिखेगी. अगर आप अच्छे से रीड करना चाहते हो तो आप purple.com पर जाके इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से फुल इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल्स अच्छे से रीड कर सकते हो. सो इसकी मेन की इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है कैस्टर ऑयल, आर्गन ऑयल एंड वाइट मिनी कैप्सूल. बाकी आप खुद रीड कर लेना. एंड इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 199. इसकी नेट वॉल्यूम की बात करें, इसकी नेट वॉल्यूम है 1.4 ग्राम ईच. एंड गाइज इसमें आपको 4 किट अवेलेबल है purple.com पर. तो मैंने किट नंबर 3 बाय की थी, यहाँ पर किट नंबर नेम लिखा हुआ है इसका पूरा. तो किट नंबर 3 में भी काफी अच्छे अच्छे शेड्स हैं. एंड अगर आप जानना चाहते हो मैंने लिप्स पे कौन से वाली लिपस्टिक अभी अप्लाई कर रखी है, तो मैंने इन्हीं में से एक लिपस्टिक अभी अपने लिप्स पर अप्लाई कर रखी है. डोंट वरी, अभी मैं इनके लिप्स स्वॉचेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बट मैं फर्स्ट इसके हैंड स्वॉचेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देन मैं लिप्स स्वॉचेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो बाकी कुछ इसमें इतना खास इन्फॉर्मेशन देने वाली बात नहीं है, बस इतना कुछ इस पर मेंशन किया हुआ था जो मैंने आपको बता दिया. तो अब आप देख लो कि ये जो लिपस्टिक है ये सुपर पिगमेंटेड है या नहीं है, या फिर लॉन्ग लास्टिक है या नहीं है, ये तो वीडियो एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा. सॉरी गाइज, इसकी इनर पैकेजिंग किस तरह की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई. तो इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, अंदर से कुछ इस तरह से पैक होके आती है. तो जैसे कि मैंने बताया मुझे इसकी पैकेजिंग की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैं झूठी तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती इसकी. बाकी इसकी लिपस्टिक की बात करें तो इसकी लिपस्टिक्स वैसे आप देख सकते हो अंदर से कुछ इस तरह से आती है. अगर इसकी लिपस्टिक की बात करें तो लिपस्टिक कुछ इस तरह की है. तो अगर हम इस लिपस्टिक की पैकेजिंग की बात करें तो गाइस काफी क्यूट सी स्मॉल सी इसकी पैकेजिंग है. यू कैन सी इसकी कैप पर लिखा हुआ है NYB एंड बाकी ये ब्लैक कलर की है. एंड इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करूं तो इस लिपस्टिक की जो क्वांटिटी है मुझे काफी ज्यादा कम लगी प्राइस के अकॉर्डिंग. इन्हें थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए थी, अदरवाइज मुझे इसकी पैकेजिंग काफी ज्यादा क्यूट लगी. तो मैं इन 4 मिनी लिपस्टिक के हैंड स्वॉचेस एंड साथ के साथ लिप स्वॉचेस भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये लिपस्टिक है जो वो लॉन्ग लास्टिक है या नहीं है, या फिर वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में पिगमेंटेड है या नहीं है. ये आपको अभी पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक. ओके, जो इसमें फर्स्ट शेड है वो है 19 रिहर्सल लुक, जो इसका शेड नेम है गाइज वो इसकी बैक साइड पर मेंशन किया हुआ है. तो आप देखते हैं कि वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में कितना पिगमेंटेड कलर है या फिर नहीं है. सो गाइज एज यू कैन सी कि मैंने अभी तक वन स्ट्रोक ही अप्लाई किया अपने हैंड्स पर एंड ये कितना पिगमेंटेड कलर है. एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं ये बहुत क्रीमी है, अगर आप इन्हें अप्लाई करते हो तो काफी ध्यान से करना वरना ये टूट भी सकती हैं. तो अभी मैंने यही शेड अपने लिप्स पर अप्लाई कर रखा है एंड इतना ब्यूटीफुल सा न्यूट पिंकी शेड है ये. सो गाइज अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन के हो तो भी ये आप पर काफी अच्छा लगेगा शेड. एंड गाइज अगर हम बात करें कि ये जो लिपस्टिक्स है ये ट्रेवल फ्रेंडली है या फिर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज गाइज जो इसकी कैप है वो काफी ज्यादा लूज है, अगर आप इसे अपने बैग में कैरी करते हो तो ये अपने आप ओपन हो जाएगी, तो ये बिल्कुल भी ट्रेवल फ्रेंडली नहीं है. सो अब वन बाय वन करके जो इस किट में 3 शेड्स और भी हैं वो भी देख लेते हैं. ओह माय गॉड, लुक एट द शेड गाइस, ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक शेड है. बाय द वे इस किट नंबर 3 में आपको काफी ब्यूटीफुल शेड्स मिल जाते हैं, आपको न्यूट से लेकर डार्क शेड्स तक मिल जाएंगे इसमें. अगर आप NYB की कोई किट बाय कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किट नंबर 3 जरूर बाय करें.
ओके सो ये जो लास्ट शेड है ये भी काफी ब्यूटीफुल शेड है। अगर आप न्यूली मैरिड हो या फिर न्यू ब्राइडल हो तो ये शेड आप पर काफी अच्छा लगेगा। एंड ये जो लिपस्टिक्स हैं ये आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगी, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखेगी। एंड गाइज जैसे इसके कार्डबोर्ड पे मेंशन किया हुआ कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ खा रहे हो कुछ पी रहे हो तो ये बहुत जल्दी आपके लिप्स से रिमूव हो जाएगी। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।